Madhya Pradesh's Home Minister Babulal Gaur has sparked another controversy with his statement on his encounter with a Russian woman. Let's listen into what he said. जो रशियन प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट थे उनकी पत्नी रईसा बेगम थी, उन्होंने इशारा किया कि ये जो शीट पहने हैं वो धोती नहीं जानते, इसको शीट कहते हैं, शीट चादर, ये शीट पहने ना गोल इसे तो आगे लाओ। एक सैनिक आया, उसने अंग्रेज का मिस्टर शीट मैडम काली गई अंग्रेजी बोला। मैंने कहा मेरा नाम तो बाबूलाल गौर है, मेरा नाम शीत नहीं है भाई, वो चला गया सर, वो तो बाबूलाल गौर, अरे कहना उन्हीं को पढ़ा रहे हैं, उनका नाम नहीं जानते। तो फिर आया कहने जिससे गौर आप ही पढ़ा रहे। मैंने कहा पता नहीं क्यों पढ़ा रहे, मैंने दाई साहब की पुत्री मेरे साथ थी रुदा देश पांडे, तो मैंने उनसे पूछा जाए, वो सब अंग्रेजी ड्रेस में थे, सारे हमारे भारतीय अंग्रेजी ड्रेस, मैं ही एक पिछड़ा वर्ग का आदमी था जो धोती करते हुए था। तो मैं गया तो कहने कमाऊ कमाऊ, अब वो बड़े प्रेम से उन्होंने मुझे, काफी मोटी होती है रूस की औरतें, उन्होंने मुझे गले लगा लिया और मेरा माथा चूमने लगी, मैं छोड़ो छोड़ो, अगर ये वोट भी छप गया तो बीजेपी वाले टिकट ही नहीं देगी। वाली अरे मेरे बात क्या है, अरे अब तो दूसरी मेरा आने लगी, तो मैंने ठीक है अब आप इनसे नमस्ते कर लो, बताओ बताया क्या मुझे, ये हंसने की बात नहीं भाई सर, उनके देश में सम्मान इसी पर क्या होता, हमारे यहाँ कोई सम्मान कर रहे जूते खा जाता। मेरे बड़ा डर गए, मेरे बड़ा चक्कर फंस गए, तो उन्होंने कहा कि हाउ यू वेयर द धोती, वेयर इज चेन, चेन क्या है इसके अंदर, बेल्ट है क्या, मेरे कोई पट्टा नहीं, बता नहीं पहनते कैसे हो, मेरे खोल के कैसे बताए। मैं बड़ा आश्चर्य हुआ कि अपने कहना हमको पहना ही बता सकते हो, मेरे के अकेले ही यार, मैं अमेरिकी धोती है साधारण भारत के लोग पहनते, ये वेशभूषा कितनी उच्च कोटि की है, ना इसमें बेल्ट लगता है, ना चेन लगती है, ना बटन लगता है। बाबूलाल गौर स्टेटमेंट इज वेरी shameful and he's been making such statements time and again as far as women are concerned. Mr. Babulal Gaur should apologize for his statement, and this clearly shows the mindset of Mr. Gaur and his party, the Bharatiya Janata Party, who's been accepting such statements from Mr. Gaur and other ministers like Giriraj, who have in the past made such shameful statements, and the party does not take any action against such people and they feel encouraged to make such statements time and again. ये बड़ा ही जिसे कहते हैं कि दोनों बातों में बड़ा विरोधाभास लगता है, कॉन्ट्राडिक्टरी जिसको बोलते हैं, एक तरफ मोदी जी कहते हैं महिलाओं का सम्मान, आरएसएस और बीजेपी महिलाओं का बहुत सम्मान करती है, दूसरी तरफ इनके एक्स मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर इस तरह की जो बात कर रहे हैं महिलाओं के सामने, इतनी अभद्र सी टिप्पणी कर रहे हैं कि मैं उतारना सिखा सकता हूँ, पहनाना नहीं सिखा सकता। मैं सोचती हूँ ऐसी बातों पर ऐसे लोगों पर एक्शन लेना चाहिए, चूंकि इन पे एक्शन नहीं लिया जाता इससे इनके हौसले बुलंद होते हैं, इनको माफी मांगनी चाहिए इन सब बातों के लिए जिस तरह की टिप्पणी उन्होंने की है। और मेरा मानना यह है कि मोदी जी को या अमित शाह जी को खुद को ऐसे केसेस में इंटरफेयर करना चाहिए ताकि उनको ये पता चले कि हमने जो किया है वो गलत किया है। मंत्री वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार में गृह मंत्री बाबूलाल गौर ने जिस तरीके से महिलाओं के समक्ष महिलाओं के बारे में बयान दिया, मैं समझता हूँ ये कहीं से उचित नहीं है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के अंदर, उनको सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहिए महिलाओं से मध्य प्रदेश की कि भविष्य में हम इस तरीके की गलती नहीं करेंगे। और जो मैंने कहा मैं उन शब्दों को वापस लेता हूँ, बाबूलाल गौर भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा होता कुछ है और बतलाते कुछ हैं ये लोग, इनके संगठन मंत्री शादी नहीं करते हैं
वो घरों के अंदर चक्कर लगाते हैं, वहां पर भी इस तरीके की हरकतें करते हैं। इनका सारा कैरेक्टर जनता के सामने खुलकर आ गया है।